सो फ्रेंड्स, सिंपल सा बात है कि हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट, जो आज मेरा मोटिव है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप कैसे निकालते हैं। जो मेन कॉन्सेप्ट मुझे बताना है आपको कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्गुमेंट आप कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स। सो अब आते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने की जो बात करते हैं हम। सो देखिए, सिंपल सी बात है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड दिया हुआ है एक्स प्लस आई वाई, तो आपको बताया था इसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिख सकते हैं, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिख सकते हैं। इनको जो है, जैसे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर ये एक्स वाई, मतलब यहां पे मैं रियल और इमेजिनरी अगर मैं लिखता हूं, तो जैसे हम लोग रियल नंबर्स को हम लोग, ठीक है ना, क्वाड्रेंट्स में हम लोग रिप्रेजेंट करते थे, एग्जैक्टली इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं लिख सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल एज्यूम करिए, यहां पे मैं अगर जेड इक्वल टू मैं लिख देता हूं, मैं ऑर्डर पेयर में लिखता हूं, मान लीजिए वन और टू लिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ, रियल एक्सिस पे वन यूनिट और इमेजिनरी एक्सिस पे टू यूनिट, मतलब पॉइंट कैसे हो यहाँ पे 1.2, ये आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं इसी को मैं लिखता हूं -1.2, सो रियल पार्ट निगेटिव है, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, तो ये मेरा जो है यहाँ पे आ जाएगा -1.2। अब इसी को अगर मैं लिखता हूं -1, -2, तो फ्रेंड्स ये रियल भी इमेजिनरी है, एक मिनट, ये रियल भी निगेटिव है और इमेजिनरी भी क्या आ रहा है मेरा फ्रेंड्स, निगेटिव आ रहा है। तो अगर इसको मैं -1, -2 लिखूं, तो रियल पार्ट भी इसका निगेटिव, इमेजिनरी पार्ट भी क्या हो गया आपका, निगेटिव हो गया। सो यहाँ पे पॉइंट -1, -2 आ गया। अब इसी को मैं अगर यूं लिखूं 1, -2, रियल पॉजिटिव इमेजिनरी निगेटिव, तो ये पॉइंट यहाँ पे कहीं आ जाएगा 1, -2। कॉन्सेप्ट क्लियर है फ्रेंड्स। सो ये डिपेंड करता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है ना, उसको जो है मैं इस तरीके से डिफरेंट, जो आप बोलिए, आप ऐसे इमेजिन करिए, डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में मैं क्या कर सकता हूँ, उसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। डिपेंड करता है क्या कि वो पॉजिटिव, रियल पार्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ फ्रेंड्स। सो अब अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया हुआ है और डिपेंड, अगर ये उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने का जो रूल है ना, वो डिपेंड करता है एग्जैक्टली किस पे, कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ में पड़ती है, ठीक है। और कॉन्सेप्ट यूज करते हैं यहां पे कि जो आर्गुमेंट का डिफिनेशन था, रियल पॉजिटिव एक्सिस से हम लोग उसका वो एंगल मेजर करते थे, रियल पॉजिटिव एक्सिस से वो एंगल मेजर करते थे, किस केस में, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में उस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम निकालते हैं। सो यहां पे चार केसेस बनेंगे फ्रेंड्स, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, यही चार पॉसिबिलिटीज होंगी, रियल इमेजिनरी दोनों पॉजिटिव, रियल नेगेटिव इमेजिनरी पॉजिटिव, रियल भी नेगेटिव इमेजिनरी भी नेगेटिव, रियल पॉजिटिव इमेजिनरी नेगेटिव, यही फोर पॉसिबल केसेस होंगे ना। तो इन चारों केसेस को मैं लेके चलता हूं और आपको बताता हूं कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं। और प्रिंसिपल आर्गुमेंट हमेशा ध्यान देना, जब भी आप निकालें उसका जो रेंज होगा ना, -π से π के बीच में आना चाहिए, ये इस रेंज को सेटिस्फाई करेगा, तभी जो है वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है। सो मैं चारों केसेस लेता हूं फ्रेंड्स। पहले ये केस लेते हैं हम लोग, तो केस वन, इफ रियल जेड, ठीक है ना, पॉजिटिव है और इमेजिनरी जेड भी क्या है फ्रेंड्स, ये पॉजिटिव है। कॉन्सेप्ट समझिएगा, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूं जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। सो यहां पे मैं मान के चल रहा हूं कि रियल पार्ट और इमेजिनरी दोनों क्या है, पॉजिटिव है फ्रेंड्स। सो अब देखिए, अब अगर ये कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात करते हैं, ऑर्गन प्लेन, तो यहां पे ये रियल पार्ट है मेरा, रियल एक्सिस है, और ये क्या है, इमेजिनरी एक्सिस है। तो यहाँ पे रियल पॉजिटिव भी, रियल भी पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव है, तो जो मेरी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगी ये इस फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलिए वहां पे आएगी। सो यहाँ पे एक्स कॉमा वाई मैंने लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो होगा आपको, ये जो थीटा निकालते हैं आप, ध्यान दीजिएगा यही है ना। सो यहाँ पे देखिए, जो एंगल मेजर कर रहे हैं आप, वो देखिए कैसे, ये वाला पोर्शन आप मेजर करेंगे, ठीक है ना। सो अगर मैं यहां से मेजर करने की कोशिश करता हूं, देखिए यहां से मेजर कर रहा हूं, मेरा फेस पॉजिटिव रियल की तरफ है, कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, एंगल भी मैं ऐसे मेजर कर रहा हूं, तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। सो दैट मींस क्या हुआ कि ये जो यहां पे मैं निकाल रहा हूं एग्जैक्टली यही क्या है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट बनेगा। सो यहाँ पे अगर ये थीटा है, तो ये थीटा जो है डायरेक्ट मेरा जो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, क्योंकि ये रेंज देखिए 0 से 90 के बीच में आएगा ना। तो ये जो मेरा थीटा हो जाएगा, सिंपल सा मैं कैलकुलेशन जो करूंगा, सो tan इनवर्स y बाई एक्स,
इसी फॉर्मूले से आप निकालेंगे तो सीधा सीधा आपका क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट आ जाएगा, ठीक है, इसी फॉर्मूले से डायरेक्ट इसमें। सो यहां पे अगर कैलकुलेट करना है, एक एग्जांपल ले लेता हूं, इस पे एग्जांपल लेके अगर आपको वेरीफाई करूं तो मेरे ख्याल से ज्यादा समझ में आएगा। सो एक एग्जांपल लेता हूं, फाइंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ठीक है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड इजकल टू, मैं सिंपल सा एग्जांपल लूंगा ताकि आपको समझ में आए, मैं क्या लिया यहां पे, वन प्लस आई लिया फ्रेंड्स, ठीक है। सो यहां पे देखिए, अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है सो दैट मींस क्या हुआ, वो आर्गुमेंट जो आना चाहिए उसका रेंज क्या होगा, माइनस पाई से पाई के बीच में आना चाहिए। सो यहां पे आप देखिए फ्रेंड्स, यहां पे रियल जेड क्या है, वन पॉजिटिव हो गया, इमेजिनरी जेड क्या है, वन, इस इमेजिनरी जेड भी वन हुआ, ये भी पॉजिटिव हो गया। सो आप देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं, सो ये आपका रियल एक्सिस हो गया, ये इमेजिनरी एक्सिस हो गया, जो पॉइंट की बात करते हैं 1,1 है, ठीक है। सो ये यहां पे मैं ले लेता हूं पॉइंट, सो ये पॉइंट जो मेरा 1,1 हो गया। सो जो मेरा आर्गुमेंट आएगा, पहले तो आर्गुमेंट की बात करिए, सो देखिए ये आर्गुमेंट आ गया, ये थीटा हो गया। अब इस फार्मूले से अगर मैं निकालूंगा टेन इनवर्स वाई बाई एक्स तो क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू, सॉरी जो थीटा की बात कर रहा हूं, सो आर्गुमेंट ऑफ जेड, और यही क्या है, ये थीटा है, और ये हो क्या जाएगा, टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट भी वन, रियल पार्ट भी वन, तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वन, और थीटा क्या आ गया फ्रेंड्स, पाई बाई फोर। सो आप देखिए ये थीटा जो पाई बाई फोर आया आपका इस रेंज में आया कि नहीं, ये देखिए माइनस पाई से पाई के रेंज में आया ना, ये रेंज में आ गया। सो दैट मीन्स क्या हो गया, ये आपका जो हो गया प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो गया। सो अब यहां पे एक मैं बात बता दूं, स्टैंडर्ड बुक अगर कोई भी पढ़ेंगे तो जनरल जो आर्गुमेंट, जो आर्गुमेंट डिफाइन किया था, तो किसी नंबर के किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट को वो ऐसे लिखता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और अगर वही मैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट लिखूंगा तो बस इस ए को वो क्या कर देता है, कैपिटल कर देता है, सो आर्गुमेंट जेड। तो कोई भी स्टैंडर्ड बुक अगर आप पढ़ें, अगर ये कैपिटल आर ये ए से स्टार्ट करता है, मतलब क्या हुआ, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। अगर नहीं लिखा हुआ है वहां पे कि ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट, तो उसका मतलब ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, और सिंपल स्मॉल ए से शुरू करता है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जनरल आर्गुमेंट है। ये इसकी मतलब क्या हुआ कि वो आर्गुमेंट की वैल्यू जो होगी इनफाइनाइट, जो मैं आपको बता रहा था ना 2n पाई वाला कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर ये कैपिटल लिख दिया तो 100% ये जो आर्गुमेंट की वैल्यू आएगी ना, इस रेंज में आएगा, माइनस पाई से पाई। तो इसलिए मैंने देखिए यहाँ पे कैपिटल लिख दिया, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए नोटेशन यूज करते हैं, और ये क्या हो गया, पाई बाई फोर। सो आई होप फ्रेंड्स ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको। सो ये केस वन हो गया जहां पे मैं आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना बताया, वो कब, जब उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों क्या हो जाते हैं फ्रेंड्स, पॉजिटिव हो जाते हैं। सो अब मैं इसको क्या कर रहा हूं फ्रेंड्स, इरेज करूंगा। सो इस वीडियो को प्लीज पॉज करें और जल्दी से आप लिखें इसको, ताकि मैं इसको इरेज करके आगे जो सेकेंड केस है उसको मैं बता सकूं आपको। सो अब इसको मैं इरेज करता हूं फ्रेंड्स, ठीक है। सो ये चलिए ठीक है, आप वीडियो का थोड़ा लेंथ ज्यादा हो जाएगा अगर इसको सेकेंड केस भी बता दूंगा, तो सेकेंड केस जो है मैं नेक्स्ट आपका जो आएगा वीडियो उसमें मैं बता दूंगा आपको। फिलहाल जो है आप इसको लिख लीजिए, प्लीज पॉज करके इसको आप लिख लीजिए। सो नेक्स्ट जो वीडियो होगा फ्रेंड्स वहां पे केस टू डिस्कस करेंगे, जहां पे वो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे लाई करेंगे, मतलब रियल निगेटिव हो जाएगा रियल पार्ट, और पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट जो होगा उसका पॉजिटिव होगा। सो आई होप फ्रेंड्स ये कॉन्सेप्ट आपको समझा पाया। सो फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, और जैसे ही सब्सक्राइब करते बेल आइकन आता है उसको आप क्लिक करें। सो आई होप फ्रेंड्स ये कॉन्सेप्ट समझा पाया, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती है तो वहाँ उसका आर्गुमेंट, आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।